सुनील आइकॉनिक खिलाड़ी है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। ऑलराउंडर के यहाँ पे भूमिका निभाते हैं सुनील, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे बल्लेबाजी है सुनील की। ये टूर्नामेंट 6 ओवर का रहेगा, 2 ओवर पावर प्ले रहेगी। ओवर का यहाँ पे दारुमदार संभाला है गुरु किनार बी की ओर से, सॉरी सी विकी, स्ट्राइक पर है आइकॉनिक खिलाड़ी यहाँ पे सुनील। उठाने का प्रयास यहाँ पे सम्मानजनक गेंदबाजी, यहाँ पे गेंदबाज विकी द्वारा सो डिलीवरी यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो, पहले ओवर की यहाँ पे दूसरी गेंद उठाया यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे चौके में यहाँ पे तकदील की, 4 के साथ खाता खोला यहाँ पे टीम का और खुद का, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी सुनील। पहले ही बताया था यहाँ पे जय अंबे बी की ओर से खेलते हैं आइकॉनिक खिलाड़ी की ओर से सलामी जोड़ी यहाँ पे मैदान के ऊपर, बहुत ही बेहतरीन शॉट। पहली गेंद डॉट यहाँ पे, दूसरी गेंद पे यहाँ पे चौका जोड़ा है सुनील कुमार ने, उठा के खेला यहाँ पे गेंद को पहुंचाया सीमा पार यहाँ पे 6 रनों के लिए। पहले ही बताया था यहाँ पे सुनील जो कि आइकॉनिक खिलाड़ी है 10 रन बना के खेल रहे हैं 2 बॉल। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पे, 3 गेंदों में यहाँ पे 10 रन दे चुका है विकी, विशेष 3 गेंद आनी शेष। पहली ओवर की यहाँ पे चौथी गेंद उठाने का प्रयास यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे वापसी की विकी कुमार ने। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी करते हुए विकी कुमार, 4 गेंदों में यहाँ पे 10 रन दे चुके हैं विशेष 2 गेंद आनी शेष यहाँ पे। पहली ओवर की 5वीं गेंद लेके तैयार, उठाने का प्रयास यहाँ पे वापसी की यहाँ पे विकी कुमार ने अपनी गेंदबाजी में, बांध के रखा है बल्लेबाज सुनील को जो कि 10 रन बना के अभी भी क्रीज के ऊपर टिके हुए। आखिरी गेंद आनी शेष यहाँ पे पावर प्ले की पहली ओवर, उठाने का प्रयास यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी विकी द्वारा। यहाँ पे ग्राउंड में आ चुके हैं प्रफुल्ल और परेश और प्रवीण, एक ओवर समाप्ति, स्कोर हुआ है 10 रन बिना विकेट खोए यहाँ पे। दूसरे ओवर का बार संभाला है कुणाल ने, फुल टॉस गेंद यहां पे, मौका था यहां पे गेंदबाज को, बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे कैच का मौका था यहाँ पे महाराज लूज फील्डिंग करते हुए यहाँ पे पहली गेंद पे यहाँ पे चौका जोड़ा है, चौके के साथ स्वागत किया है, इसी चौके के साथ स्कोर पहुंचा है 14 रन विशेष पावर प्ले की यहाँ पे 5 गेंद आनी शेष। कुणाल पहली गेंद पे यहाँ पे चौका खा चुके हैं, अभी विशेष 5 गेंद आनी शेष।
अंपायर को निवेदन है कि फिलर जहां गेंद जाती है उस पार फिलर रख सकते हैं। कंपाउंड के साइड दो दो फिलर रखिए। गनी को निवेदन है कि अपना दो खिलाड़ी कंपाउंड के बाहर भेजिए, गेंद जा सकती भी है। बहुत ही बेहतरीन शॉट और ये आसान सा कैच, पहली विकेट का पतन हुआ यहाँ पे उर्वेश के रूप में, 4 रन बना के आउट हुए। पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे यहाँ पे विकेट का पतन हुआ है। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे कुणाल द्वारा। पहली ओवर की यहाँ पे समाप्ति हुई, पहली गेंद पे चौका खाया था यहाँ पे, दूसरी ओवर की तीसरी गेंद लेके तैयार। उठाने का प्रयास यहाँ पे, आके ही लंबे शॉट का यहाँ पे प्रयास किया था मगर नाकामयाब रहे बल्लेबाज भावेश। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, अभी भी विशेष 3 गेंद आनी शेष कुणाल कुमार की। उठाने का प्रयास यहाँ पे, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, पहली गेंद पे चौका खाया था यहाँ पे, बाद में विकेट गिरी थी और 2 गेंद डॉट यहाँ पे। अभी भी नॉन स्ट्राइक के ऊपर खड़े हैं सुनील, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं अपनी टीम के लिए, 10 रन बना के अभी भी क्रीज के ऊपर डटे हुए। विशेष 2 गेंद आनी शेष यहाँ पे कुणाल की, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। उठाया यहाँ पे और मौका मिला, बहुत ही बेहतरीन शॉट यहाँ पे, डबल चमरप्लास छक्का, छक्के के साथ स्वागत किया यहाँ पे। विशेष 1 गेंद आनी शेष पावर प्ले की। उठाने का प्रयास यहाँ पे, गेंद डॉट हुई, 2 ओवर समाप्ति, स्कोर हुआ है 20, 1 विकेट के नुकसान पे। अंपायर को निवेदन है कि जल्द से जल्द मैच चालू करवाए, सचिन को निवेदन है, अभी भी बहुत मैच खेलने हैं। 3 दिन का यहाँ पे इस नाइट टूर्नामेंट रहा है मिथुना समाज द्वारा आयोजित आर्थिक ग्राउंड के ऊपर। नए गेंदबाज आए हैं, छोटे कट के गेंदबाज, 11 नंबर की टी शर्ट पहनते हुए नयन कुमार। स्ट्राइक पर है सुनील जो कि 10 रन बना के खेल रहे हैं। फील्डिंग की सजावट करते हुए अंपायर को निवेदन है कि जल्द से जल्द चालू करवाए। बहुत ही बेहतरीन यहां पे ग्राउंड आरके का, नाइट टूर्नामेंट का पहला मुकाबला यहां पे। बॉलिंग बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी नयन द्वारा, उठाने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने, नाकामयाब रहे।
सुनील जो कि बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, उठाया बहुत ही बेहतरीन शॉट, गेंद को पहुंचाया सीमा पार, डबल चमत्कार छक्का यहां पे, इसी छक्के के साथ स्कोर हुआ है 26 रन। पहली गेंद पे चौका, दूसरी गेंद पे छक्का, उठाया वापस, गेंद को पहुंचाया सीमा पार, कुछ ठान के आए थे, कुछ करके दिखाएंगे आज अपने टीम के लिए। सिक्सर लगे तो दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक सिर्फ दे इस छक्के के साथ स्कोर को पहुंचाया 32 रन, 32 रन हुए हैं। विशेष तीन गेंद आनी चाहिए यहां पे, उठाने का प्रयास और मिस किया यहां पे कीपर द्वारा। चिकी सिंगल लिए है सुनील ने, इसी चिकी सिंगल के साथ स्कोर हुआ है 33 रन, 33 रन हुए हैं। फुल टॉस गेंद यहां पे, बहुत ही बेहतरीन शॉट, विकेट गिरे तो इस चौके के साथ स्कोर हुआ है 37 रन। तीन समाप्त, स्कोर हुआ है 37 रन। प्रफुल्ल को निवेदन है कि कमेंट बॉक्स से संपर्क करें। प्रफुल्ल गुरु गिरनार की कप्तान, स्कोर हुआ 38, काफी रोमांचक मुकाबला चल रहा है, देखना है इस ओवर में कितने रन आते हैं। यहां पे काफी बाहर बॉल, अंपायर के सर्व वाइड का, यहाँ पे काफी लंबी हिट, ऊंचा कैच गया है, देखना होगा यहाँ पे ड्रॉप कैच, ये ऊंची गई थी कैच लेकिन संभाल नहीं पाए फील्डर, ड्रॉप हो भी कैच, जीतना होगा तो मैच हाथ में लेने होगी क्योंकि अभी इसे ड्रॉप करेगा तो कैच मैच हाथ से जाएगी,
इस ओवर की चौथी गेंद, यहां पे काफी लंबी हिट देखना होगा। चार रन लॉन्ग ऑफ पर खेलते, चार रन कोई चांस नहीं, चौका लगे तो स्कोर हुआ 44। जंपिंग झपांग झपक झपक थंपिंग झपांग थंपक थंपक खेले गए। ओवर की पांचवी गेंद, यहां पे इतनी अच्छी दुबिल द्वारा, यहां पे पुलटोस गेंद देखना होगा अक्षय, इतनी अच्छी फील्डिंग विकेट कीपर द्वारा, विकेट गिरे तो दिल जंपिंग जपांग झपक झपक थंपिंग झपांग थंपक थंपक गिले गिले। चार ओवर के समाप्ति में स्कोर हुआ 45 रन। यहाँ पे काफी महंगे साबित हुए, चार ओवर के समाप्ति में स्कोर हुआ 45 रन। अपने कोटे के दूसरे ओवर लेके आ रहे हैं विक्की, ओवर की पहली गेंद काफी बाहर, बॉल एम्पर का सर वाइट का अतिरिक्त रन से बनता स्कोर 46। पहली गेंद वाइट, यहाँ पे लंबी हिट देखना होगा, यहाँ पे दोनों फील्डर टकरा गए, गिर पड़े, दोनों में कुछ तालमेल नहीं है, कुछ कॉल नहीं, ऐसे फील्डिंग करेगा तो कभी कभी हाथ पैर टूटने का चांस रहता है। इस ओवर की दूसरी गेंद, स्कोर हुआ 48। यहां पे काफी लंबी हिट, छह रन सीमारे का बाहर, स्कोर हुआ 54 रन। इस ओवर की तीसरी गेंद, यहां पे खेलने चाहते हैं लेकिन संभाल नहीं पाए गेंद को, टूर्नामेंट का रूल से ये मैच 6 ओवर की खेली जाएगी। चौथी गेंद, यहां पे देखना होगा, काफी ऊंची कैच गई है, इतनी अच्छी दुबल द्वारा कैच, आउट का इशारा, सारा
समाज की ओर से पहली बार लाइव शो दिखा रहा है। यहां पे देखना होगा इस ओवर में कितने रन आते हैं। अभी भी निशेष दो गेंद बची हुई। खेल दिया लेग साइड में, देखना होगा यहाँ पे इतनी अच्छी फील्डिंग तो की है, देखना पड़ेगा एम्पायर का इशारा। छह रनों के लिए काफी बाहर बॉल, छह रनों का इशारा। लंबी हिट, यह भी छह रन, सीमा रेखा बाहर। स्कोर हुआ 66। यहां पे स्कोर लंबी लंबी हिट लगाया है। इस दो गेंद में दो छक्का खा चुके विक्की और की समाप्ति। लास्ट ओवर लेके आए है मेहर, अभी पहली इनिंग चल रहा है। स्कोर हुआ 66, काफी महंगे साबित हुए। पहली गेंद यहां पे लेग पॉइंट पे खेल दिया है, देखना होगा यहां पे इतनी अच्छी थ्रो। यहां पे लगता है बाल बाल बचे, स्कोर हुआ 68। स्कोर हुआ 69। धन्यवाद प्रफुल्ल। और ये हवा में क्या, नीचे फील्डर, गलती होगी नहीं, मिल गया विकेट। यहां पर अच्छी गेंदबाजी का नजारा यहां पर दिखाते हुए ये काले सी 69 रन बना लिए यहां पर। अच्छा टोटल सेट किया है अब तक, ये पहला इनिंग चलता हुआ अब तक 69 रन बनाए। और यहां पर अब नए बल्लेबाज के रूप में जाएंगे तुषार। जे अंबे भी यहां पर अब तक देखा जाए तो टोटल अच्छा शॉट किया हुआ है इन्होंने, लेकिन सामने वाली टीम कालेसी भी जानती है इनके गेंदबाजों को जब ये गेंदबाजी करेंगे।
ये डाउन द ग्राउंड शॉट खेला है, देखना होगा क्या फील्डर फील्ड कर पाएंगे। जी हाँ, हल्की सी हल्का सा फंबल हुआ था और दो रन दौड़ पड़े। अच्छी सोच यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जोखिम तो लेना पड़ेगा। इस दो की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 71-71। ये आखिरी ओवर चलता हुआ पारी का। और ये यहां पर अच्छी रनिंग द बिटवीन अपील हुई है, क्या पहुंच गए थे दूसरे की भी मांग। दूसरा नहीं मिलेगा, एक जरूर मिलेगा, दूसरा नहीं। और इसी के साथ ये विकेट गिरता हुआ और स्कोर एक रन की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर 72। नए बल्लेबाज अब जाएंगे स्ट्राइक पे रहेंगे, अब आखिरी ओवर है, अब विकेट कैसे भी जाए उसकी परवाह नहीं है, बल्लेबाज जानते हैं। चिराग नए बल्लेबाज, वैसे रन्स तो काफी बना लिए हैं इनकी टीम ने, लेकिन ये भी सोच रखेंगे बड़ी हिट के लिए। और आप इस टूर्नामेंट के यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। और ये एक अच्छी गेंद, और इस अच्छी गेंद के साथ ही ओवर की हुई समाप्ति, इनिंग्स पहली इनिंग्स की हुई समाप्ति 73 रन का। 73 रन बनाने हैं निर्धारित 6 ओवर में इस मैच को जीतने के लिए। 72 रन बने, जीतने के लिए 73 रन का नीड है, तो बड़ा ये टोटल जरूर है, लेकिन आप कर सकते हैं काले सी। ये दोनों टीमों में से कोई भी टीम जीतेगी तो खंडू भाई की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इन दोनों में से कोई भी टीम जीतती है तो सामने। और इस मैच को जीतती है कोई भी टीम तो खंडू भाई की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, जो यहां पर जमा भी हो चुके हैं। खूब खूब धन्यवाद उनको भी। फिलहाल ये टोटल बड़ा है, रोमांच जरूर रहेगा दोनों टीमों के बीच में, दोनों होम टीमें हैं। और ये सुंदर सा ग्राउंड काले का अभी बना है, ये ग्राउंड करीबन 1-2 साल हुए होंगे और ये अच्छा ग्राउंड है। नाइट में भी इधर क्रिकेट देखने को मिलता है, लाइट्स लगाई गई है, इन्हीं के कारण नाइट टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया है। आजों की भी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम। आप इस टूर्नामेंट को यूट्यूब द्वारा लाइव भी देख सकते हैं। कोई भी टीम जीतती है तो खंडू भाई की द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। ये दोनों टीम जो खेल रही है, इनमें से कोई भी टीम जीतेगी। और दर्शकों की भी संख्या काफी है इस मैदान के ऊपर, काले के इस मैदान के ऊपर। और दोनों ओपनिंग बैट्समैन इस समय ग्राउंड की ओर बढ़ते हुए, काले सी के 73 रन टू नीड 6 ओवर।
दो ओवर का पावर प्ले है और पावर प्ले को मैक्सिमाइज करना चाहेंगे दोनों बल्लेबाज। जय अंबे के कप्तान यहां पर आए टॉस करने के लिए क्योंकि बावरी के कप्तान यहां पर मौजूद है। जय अंबे के कप्तान प्लीज यहां पर कमेंट बॉक्स पर आए टॉस करने के लिए क्योंकि बावरी का कप्तान ऑलरेडी मौजूद है। टॉस का बॉस कौन बनेगा वो
हेलो चेक हेलो और कुछ देर के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम था और उनके कारण थोड़ा शांत था ये मैच और इसके बीच ओवर की हुई समाप्ति रन संख्या 34 तीन ओवर में अभी भी यहां से जीतने के लिए चाहिए 39 18 गेंदे हैं आपके पास 39 बनाने हैं चार विकेट खो दिए यहां पर 18 में 39 हो सकते हैं आपके पास हिटर बल्लेबाज रहे तीन ओवर का बचा है उनमें 39 की जरूरत है कालेश्वरी को ये पहला मैच है क्या जीतेगी कालेश्वरी या जयम्बेबी फर्स्ट बैटिंग करते हुए जयम्बेबी ने 72 रन का टारगेट बनाया था जीतने के लिए 73 रन रखे थे अच्छा भी चला था पहले दो ओवर लेकिन उसके बाद अच्छे बल्लेबाज आउट हुए और रनों की रफ्तार भी रुकी तीसरे ओवर में अब यहां से अब 18 गेंद चाहिए 39 और गेंदबाजी लेकर आए हैं मेहुल इस दोनों टीमों में से कोई भी टीम जीतेगी उनको खंडू भाई द्वारा 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा ओह हवा में क्या नीचे फील्डर गलती ये करेंगे नहीं ये दूसरी कैच पकड़ते हुए एक और विकेट और जेएमबी का उत्साह और बढ़ता हुआ मैच में मजबूती से पकड़ बनती हुई और एक सूचना है सभी जो बाइक लेकर आए हैं कि गेट के सामने बाइक ना रखे प्लीज गेट से थोड़ी बाइक दूर रखे जिन्होंने भी गेट के सामने बाइक रखी हो प्लीज कृपया करके निकाल दे वहां से 17 में अब 39 मुकाबला अब जय अम्बेबी के पकड़ में यहां से तब छोड़ना नहीं चाहेगी जय अम्बे क्योंकि पकड़ में आ चुका है पूरी तरह 34 बने जीतने के लिए 39-17 गेंद में खतरा मंडराता हुआ फिलहाल तो बैटिंग टीम के ऊपर नए बल्लेबाज राइट हैंडर बल्लेबाज और ये अच्छी ऑकल लाइन बाहर की ओर डाली हुई थी और तेज दौड़ते हुए यहां पर सिंगल जरूर प्राप्त करते हुए सिंगल ज्यादा प्रभाव नहीं डालेगा फील्डिंग टीम के ऊपर वो जानते हैं गेंदबाज अब हाई हिटर शॉट खेलने पड़ेंगे 38 चाहिए अभी भी 38 चाहिए ओहो हो हवा में गेंद फील्डर से दूर क्या ये 6 रन है जी हाँ ये सही समय पे काले सी के बल्लेबाज दिलाते हुए अपनी टीम को 6 रन मैक्सिमम सुपर शॉट व्हाट अ शॉट ये अच्छा शॉट खेला है उनसे उनका उत्साह बढ़ेगा बल्लेबाज का और ऐसे शॉट चाहिए भी अब तो और ये इस बार देखना होगा जी हाँ हाथ खोलते हुए अंपायर यानी कि वाइड का इशारा स्कोर बढ़ता हुआ 42-42 अभी भी जीतने के लिए 31 रन 31 रन चाहिए 15 में चाहिए 31 एक बार फिर से मैच में थोड़ी पकड़ बनाती हुई कालेसी हो एक और जो छक्का जो गिरा ना वो साफ तौर से दबाव गेंदबाज के ऊपर अब वाइड करके डाल रहे हैं वो स्कोर बढ़ता हुआ 43 अब चाहिए 30 अब रिक्वायर्ड 112 का होता हुआ ये मुकाबला एक बार फिर से कालेसी की ओर बढ़ता हुआ हवा में गेंद कुछ देर के लिए जरूर कीपर से दूर मिल जाएगा एक रन कैसे भी करके अब तो रन आने चाहिए जानते हैं कालेसी के दोनों बल्लेबाज और रन चुराते हुए 44
अभी भी जीतने के लिए 29 रन। क्या है, एक और वाइड होगी। जी हाँ, ये खराब गेंदबाजी होती हुई यहां पर, पकड़ मजबूत थी, जहां पे छक्का लगा वहां से पूरा मोमेंट और बैटिंग टीम हावी होती हुई दिखाई देती हुई पिछले 3-4 गेंदों से। 45 और शॉट बड़ा खेला है नीचे फील्डर, इस बार भी नहीं कोई गलती, ये तीसरा कैच करने क्या, और मैच जितना भी कुछ इसी प्रकार से गेंदबाजी और फील्डर लाजवाब फील्डिंग सुनील की, तीसरा कैच कनेक्ट किया लॉन्ग ऑन पर, अच्छी फील्डिंग। नीचे नहीं ऊपर से बाहर, 6 रन, ओवर की भी समाप्ति। अब चाहिए 22, 12 में 22, स्कोर बढ़ता हुआ 51, 73 का जो टारगेट था तो? और उसी हिसाब से चलती हुई और ये नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट काफी लंबे अरसे के बाद देखने को मिलता हुआ मिटना समाज क्रिकेट टूर्नामेंट और आयोजकों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम, क्योंकि हर बार ऐसा टूर्नामेंट आपको देखने को मिलता नहीं है और यूट्यूब द्वारा आप इस टूर्नामेंट को लाइव भी देख सकते हैं। एक सुंदर सा टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और मुंबई से भी टीम कल तो आएगी। कल और संडे भी दोनों दिन देखने को मिलेगी, मुंबई की टीम को भी आप देख सकेंगे, अच्छी अच्छी टीमें हैं वहां की भी। फिलहाल चलते हैं मैच की ओर, क्योंकि 12 में चाहिए 22, मुकाबला ये अब टॉप फाइट होता हुआ दोनों टीम के बीच में, कालेसी और जेएमबी भी। और सुनील आए थे गेंदबाजी में, यहां पर मिस फील्डिंग कीपर द्वारा, ये देखिए यहां पे गेंदबाज की कोई गलती थी ही नहीं, लेकिन भुगतान करना पड़ेगा चौका इनको, यही तो है। अब यहां पे आपको फील्ड में साथ देना पड़ेगा फील्डर का, 1% भी यहां पर गलती नहीं थी, 1% भी नहीं, फिर भी चौका मिलता हुआ और गेंदबाज नाखुश होते हुए 55 रन बनते हुए। अब जीतने के लिए चाहिए 11 में 18, 11 बॉल लेफ्ट, 18 रन नीड, दिस इज अमेजिंग मैच, फर्स्ट मैच दिस टूर्नामेंट, 11 बॉल लेफ्ट, नाउ रेडी बैट्समैन, और शॉट, huge shot, biggie, super shot, and right time this shot, this young man use the this power, the man is very strong. Is very strong. Only 12 and need left. This is the amazing batting to young man. And daddy, bowler, Sunil. Full toss. Oh, no ball call. No ball call. Big mistake, bowler. और बहस होती भी, अंपायर यहां पर डिसीजन सुनाए क्या है, नो बॉल है या ना भी वो भी बता दे। लास्ट डिसीजन अंपायर का रहेगा, मान्य करना पड़ेगा आपको, जी हाँ नो बॉल लास्ट डिसीजन अंपायर का है तो मान्य करना पड़ेगा आपको, और यहां पर नो बॉल दी गई है।
फ्री हिट रहेगी आप। अब चाहिए 10 में 10 और मुफ्त की गेंद, भरपेट खाना खाए बिल मर चुका ये, फ्री हिट। क्या ये वाइड है? जी हाँ वाइड बॉल, यानी के फ्रीट्स ऑन। अब गेंदे ज्यादा है, रन कम है, 10 गेंदे चाहिए 9। ये इस बार अच्छी गेंद है, इस बार ये फ्री इतनी फायदा उठा नहीं पाए, पिछली जरूर वाइड डाली थी। अब 9 गेंदे बची, रन बनाने हैं 9। वैसे काले सी इस मैच में काफी मजबूती से आगे खड़ी है देखा जाए तो, क्योंकि 73 का जो टारगेट था उसके पीछे भागी है ये 6 ओवर में। अब 9 गेंदे बची है, रन बनाने हैं 9, तो काफी मजबूत सिचुएशन है इस समय तो। और ये देखिए पटाका शॉट, पटाका और बड़ा धमाका, 6 रन, अब बचे सिर्फ 3 रन। ये यहां पर खतरनाक बल्लेबाजी देखने को मिली, सिर्फ चाहिए अब 3 रन, ओनली 3 रन नीड, 3 रन बाकी, अभी भी 8 गेंदे बची है। और जयंबे टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का निर्णय लिया है, बाबरिंग बी को बैटिंग के लिए लेकिन यह बैटिंग अच्छी भी है, काले सी की चक्के लगाकर मैच को जिताते हुए है। अच्छी बल्लेबाजी कर लौटे हुए और मैच को जिताते हुए काले सी इस टूर्नामेंट का पहला मैच और जीती हुई के बुट लेकर जा देंगे। बाय बाय बरवाड़ी नाचो ने भाई अने